ताजा अपडेट के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के एसेट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ अपडेट है अब तक की? ताजा अपडेट की बात करें तो क्या विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है? 3 बजे तक के आंकड़े हम दर्शकों को बता चुके हैं, उसके आगे अब क्या? देखिए बिल्कुल सौरभ, इंतजार किया जा रहा है आधिकारिक आंकड़ा और ताजा जो आंकड़ा आता है चुनाव आयोग की ओर से, उसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। लेकिन 3 बजे तक करीब 50% मतदान की जानकारी मिलती है। अलग अलग विधानसभाओं में जिस तरीके से एक जोरदार मुकाबला बनकर उभर रहा है, उसमें नई हरियाणा की तस्वीर, नई विधानसभा की तस्वीर वो सामने आए। जो वार पलटवार हुए हैं चुनावी को भी देखने को मिले हैं। खासतौर से चुनाव के दिन आज एक जोरदार मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, 6 बजे तक चलना है और उसके बाद मतदान संपन्न हो जाएगा। जो लोग मतदान कतार में लगे हुए हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर, उनको आने का अधिकार मिलेगा। लेकिन 6 बजे के बाद जो लोग कतार में जाएंगे, जो नहीं जा पाएंगे मतदान केंद्र तक, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। और इसके ये पूरी तैयारी अब आखिरी चरण में देखने को मिल रही है, जब चुनाव आयोग की प्रक्रिया जोरदार मतदान बयानबाजी के दौर देखने को मिले हैं। बीजेपी की ओर से अपनी जीत के दावे किए गए हैं, कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है, तो इधर आरएलडी जेजेपी और उसका जो गठबंधन है वो भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ये जरूर है कि चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से चुनावी मुद्दे बन रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम रोहतक हाई प्रोफाइल सीट जो है गढ़ी सांपला किलोई, वहां से हमने चुनावी मिजाज को भापा है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में है। और ये मतदाताओं ने साफ तौर पर ये कहा है कि भारी जीत उनको मिलेगी यहाँ से, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर से इस सीट पर नजर लगी है। दूसरी तरफ अगर देखें लाडवा सीट है जो सीएम सैनी की सीट है, नायब सैनी की, वो अगर चुनाव जीतते हैं और बीजेपी बहुमत पा जाती है, या फिर अगर और कसर भी रहती है तो निर्दलीय बागी जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीदें पूरी करते नजर आएंगे, ये कहा जा रहा है रणनीतिक तौर पर। इसी खास रणनीति के तहत उम्मीदवारों को यहाँ पर जातिगत समीकरण को साधते हुए, अन्य सेक्टर को साधते हुए यहाँ पर खड़ा किया गया है। बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट के तहत इस चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक वापसी की है, वो ये कहा जा रहा है कि वो असर डाल सकती है इस चुनाव परिणाम पर। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह दावा है कि स्पष्ट जनादेश उसको मिलेगा और सीधे तौर पर एक भारी बहुमत हरियाणा की जनता उसको देगी, तो वापसी को लेकर आश्वस्त है। दूसरी तरफ बीजेपी हेड सीट का दावा कर रही है और दूसरे दलों की उम्मीदें किस बेहतर बनने पर हैं, तो किसकी उम्मीदें पूरी होती हैं, कौन मायूस होता है, ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन हरियाणा के चुनावी रण में जो चुनावी मुकाबला है अब वो महज कुछ देर का बचा है और इस दौरान जो आंकड़े आएंगे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की जो चर्चाएं हैं उसको लेकर बहस होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज के आधार पर यह अनुमान लगाया जाएगा कि हवा का रुख किस तरफ है। लेकिन फिलहाल अभी एक जोरदार मुकाबला हरियाणा के चुनावी रण में चल रहा है। प्रदीप जी, जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, 3 बजे तक के आंकड़ों पर हम नजर डालें, वोट परसेंटेज पर अगर नजर डालें तो 50 से 51% तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उस आधार पर अब महज 1 घंटे का समय बचा है, 6 बजे तक मतदान होंगे, कितना और ज्यादा हाइक करेगा ये आंकड़ा, कितना वोट परसेंटेज और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए बिल्कुल, और फाइनल टैली जो इशारा कर रही है और ये जो अब तक का मतदान प्रतिशत अगर देखें वो इशारा कर रहा है, तो हो सकता है 70% से ज्यादा जाए और ये निश्चित तौर पर बीजेपी की चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आएगा। ये कहा जा रहा है कि अगर 75% से ऊपर हो जाता है वोट परसेंटेज, तब निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ ये जनादेश हो सकता है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उनकी ओर से जो कदम उठाए गए, इसलिए वोट परसेंटेज लगातार बढ़ा है, लोगों को यहाँ पर अपने मताधिकार को लेकर जागरूक किया गया है। लेकिन जब कमोबेश किसी मौजूदा सत्ता को लेकर और जब वोट परसेंटेज ज्यादा आता है तो ये अनुमान लगाए जाते हैं कि ये मौजूदा सत्ता के खिलाफ वोटिंग हुई है। तो उस लिहाज से कांग्रेस ये दावे कर रही है कि वो एक कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी,
तो इसीलिए उन्होंने दावे किए हैं, चाहे वो भूपेश जी हुड्डा हो, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, गुटबाजी पर सवाल उठाए, लेकिन आज वोटिंग के दौरान कांग्रेस नेता एकजुट नजर आए हैं, ये दावे किए गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है और इसलिए कांग्रेस सत्ता में उनको चाबी सौंपने वाली है, हरियाणा की जनता वो ये दावा कर रही है। तो कौन किसके दावों पर कितना खरा उतरता है, जनता जनार्दन किस पर भरोसा जताती है, 8 अक्टूबर के चुनावी नतीजे से साफ होगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ा मुकाबला और आखिरी करीब एक घंटे का वक्त बचा है जब हरियाणा का चुनावी मुकाबला संपन्न हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा टोटल न्यूज का जो एग्जिट पोल है वो सामने आएगा, वो लुक बयान करेगा कि चुनाव किस ओर जा रहा है, जिस पर तमाम नजरें लगी हैं। तो हरियाणा वासियों के लिए आज का दिन काफी खास होने वाला है, उनको ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर हरियाणा में संभावित सरकार किसकी बनेगी, कौन इस चुनावी मुकाबले में कहाँ पर है, किस पायदान पर है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो नजरें लगी है, जब एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू होंगे निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि हरियाणा के चुनावी परिणाम जो कि 8 अक्टूबर को आने हैं उससे पहले रुझान क्या बताने वाले हैं। तो ये तस्वीर साफ होगी जब चुनाव संपन्न हो जाएगा और उसके बाद एग्जिट पोल जो हमारा आने वाला है वो खुलेगा और उसके साथ ही दर्शकों को मालूम होगा कि हरियाणा का चुनावी मिजाज किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रदीप जी, अगर बात की जाए वोटर्स की, यूथ वोटर्स की, महिला वोटर्स की और खासकर जो वृद्ध वोटर्स हैं, ओल्ड एज वोटर्स हैं, उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जहां पर शादी के दरमियान ही दूल्हा वोट डालने, वोट कास्ट करने पहुंच रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटर्स में उत्साह इस बार बेहद ज्यादा है। देखिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर वोटर जो है बहुत जागरूक हुए हैं और इसीलिए ये वोट परसेंटेज पर भी एक बढ़ चढ़ कर मतदान का असर पड़ता है, वोट परसेंटेज उछाल लेता है। और इसीलिए यहाँ पर युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, और हरियाणा ने जिस तक अभिकरण ये किए कि 8,000 से ज़्यादा करीब को पार ऊपर वाले मतदाता हैं, तो ये आंकड़ा बताता है मैंने आपने कि यहाँ पर जो खान पान है हरियाणा का वो कितना शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। और इसलिए उम्र से इसको जोड़कर देखें, उम्र के पैमाने पर, तो आज ये राज्यों को ये मैसेज देता है कि वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो ये जरूर है कि हरियाणा के मतदाताओं का जो यहाँ पर अलग अलग मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं, बुजुर्गों ने अपनी बातें रखी हैं, इसके अलावा महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं, इसके अलावा युवाओं की रोजगार की समस्या, उसका जिक्र उन्होंने किया है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आज जब हम उनसे फीडबैक लिए हैं। ये जरूर है कि चुनावी मुकाबले में हर वर्ग के लिए अपने मुद्दे हैं, हर वर्ग की अपनी समस्याएं हैं, अपने दावे हैं और इसको लेकर उन्होंने नए नई बातें कही हैं। तो ये जरूर है कि बीजेपी जो सत्ता में है लगातार 2 बार से और 1 दशक के अंतराल के बाद यहाँ पर कांग्रेस के पास अच्छा मौका वापसी करने का, लेकिन पूरी तरीके से फैसला जनता को करना है वो किस ओर जाती है, क्या वो सरकार वो बदलते हैं या इस सरकार पर भरोसा जताते हैं, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे तो रुझान आने शुरू होंगे 6 बजे के बाद जब एग्जिट पोल का पिटारा खुलेगा और निश्चित तौर पर ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन 8 तारीख को नतीजे औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग की ओर से घोषित किए जाने हैं, उससे पहले आज का चुनावी घमासान अपने अंतिम चरण में है, अंतिम मुकाम पर है और इसीलिए वोट परसेंटेज क्या फाइनल टैली निकल कर आती है उस पर तमाम निगाह लगती है। प्रदीप जी बिल्कुल, और इस बार सबसे बड़ा जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो एक तरीके से दांव देखने को मिला है, वो बीते चुनाव की बात करें 2014-19 में उतना इस स्तर पर नहीं देखने को मिला। निर्दलीय बागी उम्मीदवार इस बार बहुत ज्यादा हैं, 462 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर समीकरण के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का कितना वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, क्या कुछ स्थिति कही जा सकती है? देखिए सौरभ, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा के चुनावी मुकाबले में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया है और ऐसी सीटों पर जिनमें वो लूट कर सकते हैं या उनके लिए चुनौती है, उन्होंने वहां पर डमी कैंडिडेट खड़े किए हैं जो कास्ट कम्बिनेशन को साधते हुए उम्मीदवार को, अधिकृत उम्मीदवार को चुनौती पेश कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने कई ऐसी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं जो अधिकृत उम्मीदवार से अलग सभी उम्मीदवार माने जाते हैं, लेकिन वो कास्ट कम्बिनेशन को वहाँ पर जो विपक्षी उम्मीदवार है उसको यहाँ पर खारिज करने के लिए बीजेपी की ओर से माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ये कही जा रही है। इसलिए इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है हरियाणा की राजनीति में कि ये खेल बदल सकते हैं,
यानी निर्दलीय और वादियों का खेल जो है वो कॉम्बिनेशन बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दिन ने भी ये रणनीति भापी थी चुनाव से पहले, और इसलिए उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए विशेष तौर पर नेताओं की नियुक्ति की थी, और उसमें खास नियुक्ति चाहे वो अजय माकन की हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है राजस्थान के उनकी नियुक्ति हो या फिर प्रताप सिंह बाजवा की हो, तो वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हर रणनीति की काट के लिए नेताओं को नियुक्त किया गया है, और इस माइक्रो मैनेजमेंट का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी तैयारी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें अच्छी संभावनाएं कांग्रेस वापसी की अपने लिए देख रही है। गुटबाजी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने एक चुनावी मुकाबले में बढ़त बनाई है और वो सत्ता पा सकती है, ये यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं, संभावित अनुमान है क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रुझान जो है वो आने शुरू होंगे। और उसके बाद हमने देखा है कि कई बार जो नेशनल लेवल पर जो रुझान दिखाए जाते हैं वो उसके उलट नतीजे रही हैं, जबकि हमारे जो रुझान रहे हैं वो काफी नजदीकी रुझान रही हैं। तो ऐसे में हमें भरोसा करना होगा और ये देखना होगा कि रुझान से छोड़ जाते हैं हमारा जो एग्जिट पोल खुलेगा वो उसके बाद ये तस्वीर साफ करते नजर आएंगे। हरियाणा का चुनावी मिजाज छोड़ जाता नजर आता है, क्या किसको सत्ता मिलती है, कौन सत्ता से जूट जाता है या कौन किन बेकर बनकर उभरता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब के इंतजार है। बिल्कुल प्रदीप जी, और इस बार जाति समीकरण का मुद्दा हर पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है, जाति समीकरण का जादू हो सकता है या फिर चेहरा देखकर इस बार वोटर्स वोट दे रहे हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है ग्राउंड पर, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और रोहतक सीट की बात कह रहे हैं, ये संसदीय क्षेत्र जो है दीपेंद्र हुड्डा का है, वो हाल ही में चुनाव जीते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर गढ़ी स्थापना की हुई है, परंपरागत सीट मानी जाती है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वहाँ पर हमने अलग अलग जो इलाकों में दौरा किया है, गाँव में दौरा किया है, दो जगह हमने पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत की है और वो बड़े आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से वो सत्ता में वापसी करने जा रही हैं। सीएम पद को लेकर भी, दावेदारी को लेकर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने टाल दिया, ये कहते हुए कि कांग्रेस आला कमान तय करेगा। इसको लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि कांग्रेस यहाँ पर किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देती नजर आई है, उनके समर्थक ज्यादातर नेताओं को टिकट मिले हैं, ऐसे में दावेदारी को नकारना काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, मुश्किल रहेगा। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा ने दावेदारी लगातार ठोकी है, ऐसे में ये भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या कांग्रेस एक चौंकाने वाला फैसला कर सकती है, अगर सत्ता में आती है तब जी। लेकिन ये सियासी जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को आलाकमान को उसके लिए एक ऐसा जनादेश चाहिए जिसमें वो कंफर्ट महसूस कर सके, यानी 75 बार के आसपास अगर होता है तब तो आलाकमान आश्वस्त रहेगा, लेकिन अगर ये फंसता है और 50 के 55 के आसपास रहता है और तब निश्चित तौर पर ये फैसला करना उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, और इसलिए फिर वापसी की संभावनाएं ज्यादातर बनकर आती हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वापसी हो सकती है ये कहा जा रहा है, या फिर नया चौंकाने वाला चेहरा इसकी चर्चा है, ये परिणाम तय करेगा। लेकिन बीजेपी ने अभी तक ये दावा नहीं छोड़ा है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार तो उनकी बनेगी क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं और भरोसा है कि हरियाणा की जनता उन पर दांव लगाएगी तीसरी बार। लेकिन एंटी इनकमबेंसी पैक्ट को साधने के लिए जो बीजेपी ने कोशिशें की थी वो जमीन पर कामयाब नजर नहीं आ रही है, जो फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक तो मायूस होना पड़ सकता है बीजेपी को, ये राजनीति के सारे यहाँ पर मिल रही हैं जो निश्चित तौर पर बीजेपी की चिंताएं बढ़ा सकती है। बिल्कुल प्रदीप जी, क्या जो वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति भी बन सकती है सियासी दलों के बीच की, बहुकोणीय स्थिति हो, त्रिकोणीय स्थिति हो, आम आदमी पार्टी अलग विधानसभा चुनाव में दमखम ठोक रही है, जेजेपी के साथ खासकर ESP है और इनेलो बसपा का गठबंधन है, तो क्या कुछ सूरत बनती हुई नजर आ रही है समीकरण के लिहाज से बात करें, सियासी लिहाज से बात करें, तो क्या बहुकोणीय त्रिकोणीय स्थिति बन सकती है अब तक की स्थिति के आकलन के तौर पर देखा जाए तो? देखिए हरियाणा के चुनावी मिजाज में किसी भी अनुमान पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी मिलेगी, क्योंकि कई बार इन अनुमानों को हरियाणा की राजनीति झुठलाती रही है और कई ऐसे समीकरण यहां बने हैं जो चौंकाने वाले रहे हैं। पिछली बार आप विधानसभा चुनाव परिणाम पर अगर लौटे हैं तो वहां पर जेजेपी को जो वोट बैंक जिसके दम पर उन्होंने 10 सीटें हासिल की थी उन्होंने उसको सीधे तौर पर नकारते हुए बीजेपी के साथ हाथ मिलाना उचित समझा, और इसके बाद वहां पर अब वो सबसे ज्यादा लोस में हो
सकते हैं, ये तरह इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ये राजनीतिक परिणाम साबित करेंगे कि वो फायदे में रहते हैं या नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गठजोड़ किया चंद्रशेखर की पार्टी के साथ, ये कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है कि आदर्श वोट, खासतौर से अनुसूचित जाति का वोट जो है वो उसको अपने पाले में ला पाए, और अगर जाट वोट बैंक मिलता है तो उसके जरिए एक बेहतर कम्बिनेशन के साथ वो यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन करें। दूसरी तरफ बीएसपी और INLD का गठजोड़ है और वोट अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल यहाँ सीधे तौर पर मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और 23 सीटों पर निर्दलीय या अलग जो सीट का वाइज समीकरण है वो असर डाल रहा है 23 सीटों पर, और इसीलिए निर्दलीयों को लेकर भी नजरें लगी हैं, जहाँ पर खुद ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने भी ऐसे डमी कैंडिडेट यहाँ पर आगे किए हैं जो चुनाव बाद बनने वाले समीकरण में उसको फायदा पहुंचाएंगे, और इसीलिए उन्होंने उन समीकरणों को साधने के लिए पहले से ही माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी रखी है। लेकिन ये सब स्थितियां इस पर निर्भर करती हैं कि बीजेपी 40 पार जाती है या फिर उससे पहले अटक जाती है या फिर 30-35 का आंकड़ा, ये चर्चाएं चल रही हैं। जबकि जो आंकड़े कांग्रेस को लेकर कहे जा रहे हैं कि वो 45 से 50 के बीच रह सकते हैं, तो कंफर्ट मेजोरिटी को लेकर 60 पार की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो जमीन पर हम हालात देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए खुशी ला सकते हैं ये कहा जा रहा है, क्योंकि जिस जमीन पर फीडबैक मिल रहा है उसमें कांग्रेस की कमबैक की उम्मीदें ज्यादा जताई जा रही हैं, और इसलिए बीजेपी के लिए ये चुनाव एक मुश्किल चुनौती पेश आ सकती है ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी कई वजह है, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे हों या फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो, जब उस पर ग्राउंड पर जो यहाँ पर टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद बगावत का दौर देखने को मिला वो परिस्थितियां हो, दूसरी तरफ सीएम पद की दावेदारी को लेकर अनिल विज का बयान हो या फिर केंद्र में मंत्री जो रामजीत सिंह के बयान हो, इसके अलावा कांग्रेस की ओर से बयान दिए गए, लेकिन उन्होंने आखिरी पलों में गुटबाजी थाम ली थी। अब देखना होगा कि बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट में कितना जो माहिर मानी जाती है वो कितना कामयाब होगी, सब कुछ आंकड़ों पर निर्भर करेगा, उसी पर ये माइक्रो मैनेजमेंट पे निर्भर होगा, क्योंकि जिसकी सरकार बनती देखेंगे निर्दलीय उस ओर वो झुक जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा पहले झुकता रहा है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति का मिजाज जो है वो लगातार बदलता रहा है और इस बार ये मिजाज जो है कहीं ना कहीं बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, और वोटर्स जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व में। इस बीच बड़ा सवाल ये कि मुद्दे तमाम सियासी दल ने भी उठाए, बीजेपी ने भी उठाए, विपक्ष में कांग्रेस ने भी उठाए, किसानों का, बेरोजगारी का, प्रॉपर्टी आईडी का, तमाम मुद्दे उठाए गए, युवाओं को रोजगार का, वोटर्स के दिल में क्या है, वोटर्स के मन में क्या है। हालांकि आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, सभी दिग्गजों की किस्मत कैद हो जाएगी, और 8 तारीख को जब पिटारा खोलेगा तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल हवा क्या कह रही है, वोटर्स क्या सोचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बिल्कुल, और ये हवा का रुख जो है वो सीधे तौर पर ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी के लिए ये चुनौतीपूर्ण चुनाव है, और अगर ये यहाँ पर आंकड़ों को समझें और लोगों के मिजाज को अगर भापने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए हरियाणा में उनके लिए वो राजनीतिक जमीन जो है वो तैयार नहीं दिखती है। इसके लिए कई मुद्दे हैं, जिसमें युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा रोजगारी का है, बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा गरमाया था लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको एड्रेस करने के लिए बदलाव भी किया गया, हर अग्निवीर को पेंशन की नौकरी दी जाएगी, ये बड़ा वादा बीजेपी ने किया है, कितना रास आएगा ये युवाओं को फैसला करना है। इसके अलावा किसानों की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, हाल ही में कैबिनेट ने निर्णय लिए उसके जरिए मैसेज देने की कोशिश की सरकार ने, किसान हितेशी सरकार है और उसके लिए वो बड़े फैसले ले रही हैं, निर्णय दे रही हैं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन का असर जमीन पर बहुत भारी है और इसमें कई वजह है इसकी पीछे मानी जा रही हैं, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ राज्य है और हरियाणा में जिस तरीके से पिछले दिनों जो हालात रही हैं तो उनको लगता है कि कमोबेश ये स्थितियां बनकर उभर रही हैं, और इसीलिए हरियाणा के चुनावी मुकाबले में क्या परिणाम रहेगा, क्या इसका समीकरण रहेगा, क्या गुना भाग रहेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो जनता जनार्दन को देने हैं। फिलहाल तो ये मुकाबला अपने अंतिम चरण में है, अंतिम मुकाम पर है, यहाँ पर निश्चित तौर पर कांग्रेस के कमबैक के इशारे राजनीतिक तौर पर राजनीतिक विश्लेषक दे रहे हैं, जमीन पर तो यहाँ पर बदलाव की बयार है ऐसा दिखाई देता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रहे, पल पल की अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे, समय बेहद कम बचा है 6 बजे तक, वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।
अब किस तरीके के समीकरण बनेंगे, कितना परसेंटेज वोट परसेंट हो सकता है। अमूमन एक एक्सपेक्टेड अगर परसेंटेज की बात करें तो 75% बताया जा रहा है। अमूमन अंदाजा भी ये लगाया जा रहा है कि 70% तक रह सकता है।